तो किसी ने पूछ लिया तो कांग्रेस के 50 वोट मसा पाओगे मोदी नानू तो लगे मैं जो लोग गलती करके लोग पछता लाए रहे उन्हें के मुंह की बात है हमने गलती कर दी बल्कि मुख्यमंत्री होना हरियाणा का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे है और लोकसभा चुनाव में आपकी बात क्या लग रहा जो 300 प्लस सिक्का का दावा कर रहे हैं तो इकट्ठे मोदी के खिलाफ वाले सारी पार्टी हो रही थे किसान तो आड़े खेतों में धंधा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ अगर ये कैप्टन थे कप्तान थे अगर टिकट मिले है बीजेपी की तो सिर्फ निराश है बिल्कुल काटेगा जी क्यों नहीं काटेगा वो कौन काटे नाला काटे हाँ तो हम है नहीं वोट तो हमने देने किसान है हम कौन से किसान को नहीं अच्छा नहीं बताओ आप किसान होने को मैं किसान हूँ ये खाद बीज खत्म बड़ा टाइम पर उड़ा हुआ है टाइम पर मिल जाए जो जो आंदोलन कर रहे हैं नी आंदोलन करनी है कोई किसान का कल्ला पंजाब में नहीं है पूरे भारत में है और तो नहीं इतना रोड़ा गांव में तो जी बीजेपी का ही है बीजेपी क्यों ये पहले तो किसान आंदोलन चला रहा है आया भी है जी आया था उसका कोई डूमर खड़ा कोई गेट करा तीन तो जड़ी और मोदी के नाम पर गेड़ी थी। हाँ जी आपके कौन गांव में कौन आया है अभी तक बीजेपी का कहना यदि कैप्टन साहब को टिकट मिला है नहीं इस एरिया में आज हम तो बढ़िया तरीके से जीते हैं बहुत ज्यादा सपना फाइट देंगे ना क्लियर जीत है आधा इफेक्ट तो उसका पड़ेगा क्योंकि वो फौजी आदमी है फौजी आदमी का दो छाप लगी हुई सच्चाई की नंदा। अच्छा जो मौजूदा सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह या जो कुलदीप बिश्नोई है वो टक्कर दे इसके नहीं 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 बताओ मोदी जीत जाएगा कौन जीतेगा इधर मोदी तो कौन रहा मोदी राम राम जी सारा ने मैंने यूँ बता दो इसकी बार हिसार लोकसभा का के कुछ माहौल है इसकी बार आपका गांव के अंदर में गांव में तो जी बीजेपी का ही है बीजेपी का है ये सारे बीजेपी आड़े हैं कि वो कोई एंट्री ना एक आता तो न्यू तो सारी सारे पाव लेने जिधे मजा होगा बात करने में जिधे तो मेरा पटे सारे डाल के विचार होंगे तो मैंने ये बताओ बीजेपी क्यों ये पहले तो किसान आंदोलन चल रहा है इसका क्या इफेक्ट होगा जी और जो बैठे है नी जितने भी जो नेता है उनका तो जो डाटा आप काट लोगे नहीं वो तो सारे कोई अरबपति है कोई खरबपति है उनका तो धंधा ही हो वो तो दूसरी पार्टी राजनीति पार्टी पैसा देने लग रही है अच्छा। वो पैसा बना रहे हैं और कुछ आदमी ऐसे हैं जो खालिस्तानी भी है कुछ दारू पीनी भी है कुछ सारा सिस्टम है किसान नहीं है उनमें उनमें तो किसान किसान है नहीं हम भी किसान है हम भी किसान है हम कौन से किसान को नहीं जी आप नहीं बताओ ये MSP का चक्कर बुरे तो पहला ही लेने लग रहे हैं तीन चार हिंदुस्तान के तीन चार स्टेट है जो की MSP पे खरीद करे बाकी तो नहीं बैठे है उनको तो कुछ नहीं वोट तो कुछ भी नहीं मिल रहा नहीं फिर गवर्नमेंट जो करने लग रही नहीं ये बात है जो 10 साल के भीतर जितना बदलाव आया है नहीं आने वाला टाइम के अंदर 10 साल और मिलेंगे नहीं ये जो 25 साल का टारगेट बीजेपी लेके करी है नहीं कि भाई इसके अंदर 45% हम ये करेंगे वो तो जीदे होगा जी एकदम वही बात है नहीं एकदम तो कोई चीज होती है कोई नहीं। अच्छा नहीं बताओ आप किसान होने को मैं किसान हूँ हाँ। ये खाद बीज खतर पड़ा टाइम पर रोड़ा हुआ है टाइम पर मिल जाए आपने बिल्कुल मिला हमने तो कोई रोड़ा देखा नहीं कोई परेशानी नहीं ये तो बताओ के है जी जो बीज में स्टॉक करनी है नी वे करवा रहे हैं सरकार पूरा दे रही है सबने सरकार करने में कोई दिक्कत नहीं है जो बीज में अपना कमीशन को मानिए है वो इकट्ठा कर ले है किसानों तंग कर रहे हैं बीच में मुनाफा हो किसान मतलब सरकार का इसमें कोई नहीं एक बात और कहना चाहूंगा अपना जो यो आंदोलन कर रहे हैं नी आंदोलन करनी है कोई किसान कोई कल्ला पंजाब में नहीं है पूरा भारत में है और तो नहीं हकड़ी इतना रोला कल्ला पे पंजाब बॉर्डर में कहता है इनका तो मकसद है कि में और है चलो ये तो बात अभी किसान आंदोलन की बात करना भाई ईब जो है लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे है और लोकसभा चुनाव में आपकी बार के लग गया जो 300 प्लस सीटा का दावा कर रहे हैं ये तो इकट्ठे मोदी के खिलाफ वाले सारी पार्टी हो रही है किसान तो आड़े खेतों में धंधा कर रहे हैं मोदी जीत जाएगा कौन जीतेगा इधर मोदी तो कौन रहा होता है 400 प्लस मोदी तो 400 प्लस बाहर है काम तो किसी ने पूछ लिया थे कांग्रेस के 50 वोट मसा पाओगे मोदी अच्छा मोदी के नाम पे पूरे हिसार लोकसभा की बात करा चेहरा कौन है मोदी के नाम पे मतलब मोदी के नाम पर अच्छा कोई आ जाओ कोई कहा आया भी है जी तो कोई डूमर खाला कोई गेट करा दिन तो चढ़ी और मोदी के नाम पर गेड़ी थी अच्छा तो डूमर खाला कल दोबारा आ गया फिर उसने गेरो के मोदी का तो उठाया होगा जी गेटा नहीं बोली गेर दे हाँ जी आपके गांव में कौन आया है अभी तक बीजेपी का कहने हमारा तो कैप्टन साहब आए हैं कैप्टन साहब आए हैं
और भी सभी आते हैं हमारे बीजेपी की खुद है। अच्छा यू बताओ, अगर ये कैप्टन थी कप्तान थी, अगर टिकट मिला है बीजेपी की तो सीट निकालते? बिल्कुल काटेगा जी, क्यों नहीं काटेगा। वो कौन काटने वाला, कटाने वाले तो हम है नहीं, वोट तो हमने देने हैं। फिर उसके वोट अपने आप पे जाने लग रहे हैं, आधा इफेक्ट तो उसका पड़ेगा क्योंकि वो फौजी आदमी हो गया। फौजी आदमी के दो छाप लगी हुए, एक सच्चा एक ईमानदार, दो छाप है जो दोनों छाप मेरे ख्याल में कुछ नहीं कुछ मदद करेंगे। अच्छा। तीसरी छाप मोदी की है, अपने ऑटोमेटिक बनेगा, उसकी कौन रोका। हाँ जी ताऊ जी, कल कौन किसने जिताओगे काम में? मोदी ने जितवाया, जो जितवाया मोदी ने। चलो ऊपर तो मोदी आओगा, वो तो प्रधानमंत्री की बात है, अभी तो अपने लोकसभा की बात करेंगे। अपने लोकसभा में कौन इकट्ठा हुआ? कुदरती है, कोई मुकाबले में कोई नहीं है, तो अरे कोई कैंडिडेट तो होगा लोकसभा का। मैं पढ़ रहा हूं, वो डजी जेल लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ जी, फौजी कितने बकरे थे, थोड़ा फांसी तोड़ा है वो देश। अच्छा, मोदी मैं भी नहीं कहते, मोदी था हम तेरे सामने खड़े थे नीचे। अच्छा ये क्या हिसार में फौजी है कैप्टन अभिमन्यु, टिकट मांगे उसने, वोट मिलेंगे? बिल्कुल, मैं अपना बताऊं, यदि कैप्टन साहब को टिकट मिला है नहीं, इस एरिया में ऑलराउंडर वो बढ़िया तरीके से जीतते हैं, बहुत ज्यादा सपना फाइट देगा ना, क्लियर जीत है। एक तो बीजेपी में है और दूसरा उसका पूरा एरिया में मतलब आना जाना लगे रहे हैं, दुख में सुख में पूरे काम में राउंड करना एरिया है, मतलब नौ लगे है नहीं, सभी में उसकी जान पहचान बहुत बढ़िया तरीके से फाइट। अच्छा, जो मौजूदा सांसद है बृजेंद्र सिंह या जो कुलदीप बिश्नोई है, वो टक्कर दे सके? नहीं 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 दे सकते, ये बीजेपी की टिकट में आया हुआ है नहीं कैप्टन साहब, क्लियर जीत है फिर। अच्छा हाँ, बिल्कुल क्लियर जीत। हाँ जी, इसका फायदा हो रहा है, वो तो बंदे ही से हैं, ये तो पहला ही की इसमें है तालमेल में। अच्छा, उधर रहा है कुलदीप तो उस साइड में रह गया, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई आवे कदे आपके कम्मा का नहीं, आपके मतलब नहीं मारे तो आए? नहीं 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 आंदा जी, कुलदीप बिश्नोई कभी आंदा ही नहीं, जब खुद की पार्टी है तो एक बार आया था, उसके बाद हमने नहीं देखा इधर। अच्छा, लेकिन कैप्टन साहब तो पीछे भी आ रहे थे, और गांव के जो लोग ना उनके लिए भाई कुछ भी दरखास्त दे ये काम चाहिए, हमारे गांव में नॉन मेडिकल खराने जो भी है उसका हाथ में है, जो काम करने बंदा है। अच्छा, लोग खुश है उसमें। तो जो नानो दलकम है जो एक बार खजाना के जो मुंह खोले थे, वो उम्मीद है कि सार लोकसभा का तक खोल दे? नानो दलकम जो लोग हैं गलती करके, वहाँ लोग पछताने लग रहे, उन्हें के मुंह की बात क्या है, वहाँ हमने गलती कर दी, बल्कि ये तो मुख्यमंत्री होना था हरियाणा का, लेकिन उन लोगों ने गलती कर दिया, वो किसी हिसाब से करी है या राजनीति गलती हुई है, लेकिन लोग अभी वो चाह रहे हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा हाँ, वो जितना चाह रहे थे अभी वो बहुत साथ में है सारे, बहुत बढ़िया तरीके से जीता है कैप्टन साहब को मिला है नहीं, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा जनता की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की।